राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को कभी हराया नहीं जा सकता। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस शुभ तिथि को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसे जन्माष्टमी कहा जाता है। जन्माष्टमी भारत के हर कोने कोने में बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को विदेशों में रहने वाले नागरिक भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से पूजा व्रत आदि करने से भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, और वहीं अगर जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर होता है तो उनके लिए ये व्रत बहुत ही शुभ और फायदेमंद होता है। संतान प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी का व्रत रखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। माना जाता है कि जो भी स्त्री जन्माष्टमी के दिन भगवान लड्डू गोपाल को झूला झूलाती है तो उसके शीघ्र ही विवाह के योग बन जाते हैं और संतान होने में विलंब नहीं होता। ऐसे में जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करें, शीघ्र ही सारे काम बन जाते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि की जाती है, इसीलिए इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव 6 सितंबर 2023 बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का 5550वां जन्म उत्सव मनाया जाएगा। दोस्तों, जन्माष्टमी 2023 पूजा का शुभ मुहूर्त 6 दिसंबर 2023 दिन बुधवार रात 11:57 से 12:42 के बीच जन्माष्टमी की पूजा की जाएगी। आपको बता दें, कान्हा जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में हुआ था। 6 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत सुबह 9:20 से हो रही है। अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर इसका समापन हो जाएगा। वहीं जन्माष्टमी व्रत का पारण 7 सितंबर को सुबह 6:02 या शाम 4:14 के बाद किया जाएगा। दोस्तों, वहीं गृहस्थ और वैष्णव संप्रदाय के लिए जन्माष्टमी की तिथि आपको बता दें, गृहस्थ और वैष्णव संप्रदाय के लोग अलग अलग दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। ऐसे में 6 सितंबर 2023 को गृहस्थ जीवन वाले लोग और 7 सितंबर 2023 को वैष्णव संप्रदाय के लोग कान्हा का जन्म उत्सव मना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाइएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जन्माष्टमी व्रत से पहली रात को हल्का भोजन करना चाहिए और अगले दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उपवास के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर साफ वस्त्र पहनने चाहिए। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री और नारियल की बनी मिठाई का भोग लगाएं। दोस्तों, रात 12:00 भगवान लड्डू गोपाल का जन्म होगा। इसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करें, उनको नए वस्त्र पहनाएं और उनका अच्छे से श्रृंगार करें। भगवान का चंदन से तिलक करें और उनके भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य मिलाएं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में जब तक तुलसी का पत्ता शामिल ना हो तब तक व्रत हमेशा अधूरा ही रहता है। इसके बगैर आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते। तुलसी के बगैर जन्माष्टमी का पर्व भी हमेशा अधूरा ही रहता है। दोस्तों, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कहकर भगवान लड्डू गोपाल को झूला झूलाएं। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध घी के दीपक और धूप बत्ती से आरती करें। दोस्तों, जन्माष्टमी की पूजा में भगवान का श्रृंगार भी बहुत अहम माना जाता है। आज हम आपको 8 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान लड्डू गोपाल को अति प्रिय है। अगर आप भी भगवान कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण कराना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी आने से पहले ही इन वस्तुओं को अपने घर पर अवश्य लेकर आएं। अगर आप इन सभी वस्तुओं को घर में नहीं ला सकते हैं तो कम से कम आप इनमें से कोई भी एक वस्तु घर में अवश्य लेकर आएं और भगवान श्री कृष्ण को ये वस्तु अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, नंबर 1, भगवान लड्डू गोपाल की अति प्रिय वस्तु है मोर पंख। कहा जाता है कि राधा रानी के महल में बहुत मोर हुआ करते थे। जब वो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करती तो उनके साथ वो मोर भी नाचा करते। एक दिन किसी मोर का पंख जमीन पर गिर गया, जिसे तुरंत उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर सजा लिया। भगवान कृष्ण के मस्तक पर सजा मोर पंख राधा रानी के प्रेम की निशानी मानी जाती है।
इसीलिए भगवान लड्डू गोपाल के जन्म उत्सव की पूजा में मोर पंखों से उनको हवा किए जाने का चलन है। इसीलिए जन्माष्टमी पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार देवी राधा हर दिन मोर कुटी मंदिर के पास मोरों को दाना देने जाती थी। एक बार जब देवी राधा वहां पहुंची तो वहां पर एक भी मोर नहीं था। राधा रानी उदास हो गई। कान्हा ने देवी राधा को प्रश्न करने के लिए स्वयं मोर रूप धारण कर लिया और वहां पहुंच गए। राधा रानी कान्हा का ये रूप देखकर बहुत प्रसन्न हुई। दोस्तों, मोरकुटी मंदिर में मोर रूप में आज भी राधा कृष्ण की पूजा होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के पूजन में मोर पंख अवश्य ही शामिल करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोर पंख का प्रयोग करने से अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोर पंख से बुरी आत्माएं पास नहीं आती। मोर पंख को भगवान लड्डू गोपाल ने अपने मुकुट पर स्थान दिया तथा सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोर पंख घर से अनेक प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है और मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। मोर पंख मोर की बाजू से अलग होने के बाद भी जीवित रहता है, तभी तो इसका सकारात्मक असर अपना काम तेजी से करता है। दोस्तों, दूसरी चीज है बांसुरी। भगवान राम की पहचान धनुष है, तो भगवान लड्डू गोपाल की बांसुरी। भगवान लड्डू गोपाल की मधुर बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां उनकी ओर खींची चली आती थी। भगवान लड्डू गोपाल की बंसी प्रेम और आनंद का प्रतीक है। बाल कृष्ण गोपियों के साथ बंसी बजाकर रास रचाते थे और सृष्टि में प्रेम का संचार करते थे। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार की सामग्री में बांसुरी को शामिल करने से गृहस्थी में प्रेम और आनंद आता है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने के साथ ही आप अपने घर में बांसुरी को अवश्य ही लगाएं। दोस्तों, माना जाता है कि जहां कहीं भी वास्तु दोष हो वहां बांसुरी लगाने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि बांसुरी कभी भी सीधी नहीं लगानी चाहिए, बल्कि इसे हमेशा ही तिरछा लगाने से लाभ मिलता है। साथ ही बांसुरी का मुख हमेशा नीचे रखना चाहिए। इसके अलावा अगर दांपत्य जीवन में तनाव या फिर कलह पूर्ण वातावरण रहता है तो सिराहने में बांसुरी रखकर सोने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। दोस्तों, तीसरी चीज है मोर मुकुट। ज्योतिष गणना के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में काल सर्प योग था, इसीलिए वो सदैव अपने मुकुट पर मोर का पंख धारण करते थे। मोर और सर्पों में भीष्म शत्रुता होती है, इसीलिए मस्तक पर मोर मुकुट धारण करने से काल सर्प दोष का योग कम हो जाता था। भगवान की पूजा में उन्हें मोर मुकुट पहनाने से काल सर्प दोष का प्रभाव दूर हो जाता है। दोस्तों, चौथी चीज है माखन मिश्री। नंद के लाल गोपाल को माखन अति प्रिय है। कहते हैं जिस रात लड्डू गोपाल का जन्म हुआ था उस रात नंद गांव की गोपियों ने सपने में देखा था कि लड्डू गोपाल माखन मांग रहे हैं। नंदलाल को माखन इतना प्रिय था कि वो बचपन में गोपियों की मटकियों से माखन चुरा कर तथा मटकियां तोड़कर खा लिया करते थे, जिसकी वजह से इनका एक नाम माखन चोर भी है। दोस्तों, भगवान के भोग में माखन मिश्री को अवश्य ही शामिल करना चाहिए। प्रेम पूर्वक भगवान लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करती है। भगवान लड्डू गोपाल को माखन मिश्री अर्पित करने से वो शीघ्र ही आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, पांचवी चीज है झूला या फिर पालना। भक्ति भाव के भूखे बाल गोपाल को जन्माष्टमी पर झूला झुलाने की परंपरा चली आ रही है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे बच्चे के जन्म के बाद उसे पालने में झुलाने से आनंद की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार भक्तजन अपने प्रभु के बाल रूप को पालने में झुलाकर भक्ति के परम सुख को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, भगवान को झूला या पालना भेंट करने से प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है और एक नारी को भगवान लड्डू गोपाल की तरह ही एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, जो कि ऐसा बालक भगवान लड्डू गोपाल की तरह ही मनमोहक होता है, सुंदर होता है, आकर्षण से भरा होता है। दोस्तों, छठी चीज है पीले वस्त्र। जन्म उत्सव के वक्त भगवान के बाल स्वरूप को पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात पीले रंग के वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। अगर आप भी इस बार जन्माष्टमी का पर्व मनाने वाले हैं तो आप पूजा की सामग्री में पीले रंग के वस्त्रों को अवश्य ही शामिल करें। पीली चीजें आवश्यक शामिल करें। भगवान को पीताम्बर वस्त्र अति प्रिय है, ये प्रेम और वैराग्य के प्रतीक हैं। दोस्तों, सातवीं चीज है गो यानी कि गाय।
भगवान लड्डू गोपाल का निवास गोलोक माना जाता है। गाय भगवान की सहचर है। भगवान लड्डू गोपाल के साथ पूजा में बछड़े के साथ ही गाय की पूजा करना सुख समृद्धि दायक माना जाता है। पुराणों में गाय को धन का प्रतीक माना गया है। भगवान धन रूपी गो की रक्षा करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय के भीतर गुरु ग्रह का वास होता है। यदि ये ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में नीच स्थिति में हो तो उसे गाय की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से वो उस ग्रह की कुपित दृष्टि से बच सकता है। इसके अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा स्थान अथवा बैठक के कमरे में ईशान कोण में चांदी की गाय और उसका बछड़ा रखने से भी भाग्य में वृद्धि होती है। इसीलिए आप जन्माष्टमी से पहले ही चांदी की गाय और उसका बछड़ा अपने घर पर अवश्य ही लाएं। अगर आप चांदी का नहीं ला सकते हैं तो आप मिट्टी का ला सकते हैं, या फिर आप गाय और बछड़े की तस्वीर लाकर भी ईशान कोण में लगा सकते हैं। दोस्तों, आठवीं चीज है गीता की पोथी। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अपने प्रिय सखा और पांडवों में श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता मोह से निकल के संसार को देखने का मार्ग बताती है। इसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी कहते हैं, जो मनुष्य को मुक्ति का मार्ग और कर्म पथ पर चलने का ज्ञान देती है। दोस्तों, इसीलिए भगवान की पूजा में गीता की पोथी जरूर रखनी चाहिए और रात में जागरण करते हुए गीता का पाठ हर हाल में अवश्य करना चाहिए। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान लड्डू गोपाल की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आप जन्माष्टमी से पूर्व ही इन चीज़ों को अपने घर पर अवश्य ही लेकर आएं और इन्हें भगवान की पूजा में शामिल करें। ऐसा करने से आपको भगवान लड्डू गोपाल की असीम कृपा प्राप्त होगी, धन लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, सभी देवी देवता दोनों हाथों से आपके जीवन में धन की वर्षा करेंगे। दोस्तों, अगर आप वाकई में भगवान श्री कृष्ण को प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।